नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आम उदासी के मरीज के ट्रीटमेंट में दवाइयां नहीं देते हैं, उनमें बस वही एक्सरसाइज, फूड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मूड काउंसलिंग और समय ही उनकी दवाई है। कुछ समय के बाद वो परिस्थिति की जो स्ट्रेस की वजह से उनके ऊपर जो घाव हुए थे वो धीरे धीरे हील हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। जबकि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, उनकी ट्रीटमेंट में दवाइयों का इस्तेमाल होता है। अब बात ये है ना कि ये जो आम उदासी वाले लोग हैं, जो हम सब हैं, हमने जीवन में कभी ना कभी आम उदासी का अनुभव किया ही है, वो एक्चुअल जब डिप्रेशन के मरीज है ना, उनको हम ऐसी सलाह देने लगते हैं कि डिप्रेशन तो जीवन में होता ही है, हमें भी हो गया था, इन इन परिस्थितियों का हमने सामना किया है और इन इन परिस्थितियों के बावजूद भी उनका हमारे ऊपर इतना असर नहीं हुआ था, हमने दवाई नहीं ली थी, हमने ट्रीटमेंट नहीं ली थी, फिर भी हम अपने विल पावर से, अपने मोटिवेशन से, अपने ये करके हम उससे बाहर आ गए। ये कुछ ऐसी बात हुई कि दो लोग हैं जो रेस में भाग रहे हैं और बीच में कहीं चोट आने की वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। एक व्यक्ति को थोड़ी खरोच आ जाती है, वो वापस खड़ा होकर रेस में वापस भागने लगता है और वो रेस जीत जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति को उसी चोट के दौरान हड्डी टूट जाती है, फिर वो वहां से खड़ा ही नहीं हो पाता है, वो फिर वो रेस में नहीं चल पाता है और वो हार जाता है। रेस खत्म होने के बाद वो फिर जो जीत गया होता है, जिनको सिर्फ मामूली सी खरोच आई होती है, वो जिनकी हड्डी टूट गई है उनको ऐसे सलाह देने लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है, ये सब सिर्फ मन का वहम है, मैं भी चोट खाया हुआ इंसान हूं, लेकिन चोट पड़ते ही मैं सीधा खड़ा हो गया और मैं देखो मेरा मोटिवेशन कि जीवन में चोट तो आती रहती है, मैंने फिर भी रेस लड़ी, रेस जीती और मैं विजेता हूं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, तुम बस वही पैर पकड़कर वहीं बैठे रहे, खड़े ही नहीं हो पाए, तुम्हारा विल पावर ही कमजोर है। भाई ये दोनों केस अलग अलग है, आपको सिर्फ मामूली खरोच आई है, आप खड़े हो सकते हैं, इनकी पूरी हड्डी टूट गई है, इनको अस्पताल ले जाना चाहिए, उनको हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनको वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से वगैरह वगैरह माउथ ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उसको 3-4 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे रखेंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे, फिर आना, फिर रेस करना, फिर देखते हैं वो हड्डी जिनकी टूटी है वो भी आपको हरा के दिखाएगा। लेकिन जब आप जिनकी अभी हड्डी टूटी हुई है तब आप उनको रेस लगाने के लिए बोल रहे हैं और आप नहीं, उनका पेन महसूस ही नहीं किया है, उनकी परिस्थिति क्या है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ आप अपने मामूली खरोच की पेन को नजर में रखते हुए आप जिनकी पूरी हड्डी टूट गई है उनको ऐसी सलाह दे रहे हो कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, तो ये नाइंसाफी है, ये सही बात नहीं है। आप उनकी परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे हो और आप उनको एक गलत एडवाइस दे रहे हो या फिर एक आप उनको जांचने का या आप उनको परखने का कुछ एक गलत नजरिया इख्तियार कर रहे हो। कुछ ऐसा ही डिप्रेशन के मरीज के साथ हुआ होता है। जो आम उदासी के लोग हैं कि जिन्होंने कभी डिप्रेशन का अनुभव ही नहीं किया है, वो लोग डिप्रेशन के मरीज को एडवाइस देते हैं कि डिप्रेशन में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, डिप्रेशन को सिर्फ मोटिवेशन से ही ठीक हो जाता है, डिप्रेशन की बीमारी को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। जो एक्चुअली उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया होता है तो उनसे काफी ये मिसलीडिंग एडवाइस मिलती रहती है। तो ये आम उदासी और डिप्रेशन बहुत ही डिफरेंट चीज है और उनको ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से की जाती है और उनकी जो उदासी की तीव्रता है उनमें भी काफी फर्क है।